हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इससे पहले कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्य के गवर्नर से दिन में अपने नेता येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया था। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया। कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी हिदायत के बावजूद पार्टी के बागी विधायक रोशन बेग बीएस येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग बीएस येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। राज्य के 27वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले येदुरप्पा ने कहा कि वो सोमवार को अपना बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद येदुरप्पा ने कैबिनेट बैठक में दो बड़े फैसले लिए हैं। येदुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अलावा वो लाभार्थियों को अलग से 2000 रुपए की दो किश्त भी देंगे। इस तरह से येदुरप्पा ने राज्य के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। बता दें कि आजम खान की करोड़ों की जमीन को जो पट्टा था वो निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि आजम खान ने 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी। कार्रवाई के बाद 140 बीघा जमीन आजम खान के कब्जे से बाहर होगी। कोसी नदी की जमीन पर जोहर यूनिवर्सिटी कैंपस बना है। रेत की जमीन को आजम खान ने सत्ता में रहते तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए प्रशासन से यह जमीन यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर ली थी। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद जांच में पाया गया कि जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए लाई गई है। यह जमीन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बोर्ड के सदस्यों ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एनबीए बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक बहुत ही सकारात्मक रही और बैठक में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के महत्व, पारदर्शी रेटिंग सिस्टम और प्रसारण के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 3 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। वे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की तैयारी में है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 3 बागी विधायकों को हाल ही में अयोग्य करार दिया है। स्पीकर के मुताबिक विधायकों ने एक गलत प्रारूप पर इस्तीफा दिया था। मोइन कुरैशी केस में सना सतीश बाबू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सना सतीश बाबू ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अस्थाना और दूसरे लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सतीश बाबू की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। राकेश अस्थाना ने कहा था कि सना सतीश बाबू मोइन कुरैशी के भ्रष्टाचार का हिस्सा थे। सतीश ने राकेश पर रिश्वत के आरोप लगाए थे। सतीश बाबू ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। बता दें कि सीबीआई ने 15 अक्टूबर को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल का आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों की अभी तक कोई भी पहचान नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपिया के बोना बाजार इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे, जिन्होंने सुरक्षा बल को आता देख उस पर फायरिंग कर दी, जिसका सुरक्षा बल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। शोपिया के बोना बाजार इलाके में अभी भारी सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बल पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों से फायरिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा का विधानसभा चुनाव से पहले यह अहम दौरा है, जिसको लेकर रोहतक में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के साथ प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहेंगे, जिसमें 27 और 28 जुलाई को बीजेपी के मिशन 75 प्लस पर मंथन किया जाएगा। जेपी नड्डा 12 से 2 बजे तक शक्ति केंद्रों के हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि शाम 5:30 से 6:30 बजे तक वो विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे और वहीं शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कोर ग्रुप की बैठक होगी। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा शाम को जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, निगम चेयरमैन को जीत का मंत्र भी देंगे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य से मुलाकात की। दरअसल सीएम ने नेपाल के राजदूत से 3 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल को भागीदार देश बनाने की पेशकश की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले 3 साल से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। और इस आयोजन ने किसी न किसी नए देश को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को श्रीमद् भागवत गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेपाल से श्रद्धालु और स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम में भाग लेना होगा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला 5 अगस्त को होने वाले इनसो के स्थापना दिवस का निमंत्रण देने फरीदाबाद पहुंचे। दिग्विजय चौटाला ने महाराणा प्रताप भवन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि 5 अगस्त को नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने कहा, जो लोग लगातार जेजेपी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वो जल्द ही पार्टी में वापस शामिल भी होंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो लहर थी उसका 1% हिस्सा भी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि दोनों चुनाव बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। विधानसभा में जेजेपी की सरकार बनने के बाद 75% आरक्षण नौकरियों में देने का काम करेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान पीएम ने सुनीता दुग्गल का मार्गदर्शन किया कि एक नवनिर्वाचित सांसद को कैसे काम करना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने हरियाणा की जानकारी भी ली और हरियाणा के बारे में विस्तार से चर्चा की। पीएम ने सुनीता दुग्गल को कहा कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करना है और सिरसा के विकास के लिए ही काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को पंचकुला में राज्य स्तरीय सक्षम सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश में 119 खंडों में से 107 खंड सक्षम और 5 खंड सक्षम प्लस घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से निकलकर बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए हमने पिछले 5 सालों में हर 20 किलोमीटर के परिधि में एक सरकारी महाविद्यालय खोला है। सीएम खट्टर ने कहा कि आने वाले 5 सालों में उनका मुख्य फोकस सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। और इधर शुक्रवार को भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुड्डा से ईडी ने लंबी पूछताछ की। हुड्डा से पूछताछ के बाद ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया और पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में हुड्डा सरकार में आवंटित 14 इंडस्ट्रियल प्लाटों के मामले में उनके बयान दर्ज किए गए हैं। और वहीं इस मामले में ईडी ने महामाया एक्सपोर्ट और दूसरे लोगों की जमीन और बैंकों में पड़े करोड़ों रुपए जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को ईडी ने मानेसर जमीन घोटाला मामले में हुड्डा से लंबी पूछताछ की थी। मानेसर जमीन घोटाला मामले में हुड्डा ने अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है उन पर। इस मामले में डेडलाइन खत्म होने के बाद क्राइटेरिया ऑफ अलॉटमेंट चेंज और अयोग्य उम्मीदवारों के साथ मिलकर प्लॉट्स को मार्केट वैल्यू से कम दामों पर दिए जाने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप है। हिसार में कुलदीप बिश्नोई के घर पर चल रही इनकम टैक्स की रेड पूरी हो गई है। इनकम टैक्स की टीम भव्य बिश्नोई को लेकर दिल्ली स्थित रजोखरी फार्म हाउस पर पहुंच गई है।
सूत्रों की माने तो अब कुलदीप और भव्य बिश्नोई को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जा सकती है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई पिछले 3 दिन से दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर ही मौजूद हैं। बता दें कि दिल्ली में मंगलवार सुबह से ही लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कुलदीप बिश्नोई के आवास पर लगातार चौथे दिन आयकर विभाग की छापेमारी पर रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने रेड राज बीजेपी का पर्यायवाची बन गए ट्वीट में लिखा है। कुलदीप बिश्नोई के घर पर चल रही 3 दिन से गैरकानूनी छापेमारी इस बात का जीता जागता सबूत है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं की आवाज को नहीं दबा सकती, पूरी पार्टी इस दमन चक्र के विरुद्ध कुलदीप बिश्नोई के साथ है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई के घर चल रही इनकम टैक्स की रेड और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी की पूछताछ पर राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज का बयान सामने आया है। बता दें कि कंबोज ने कहा, हमारी सरकार किसी से भी रंजिश नहीं रखते और न ही सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। जो भी कार्रवाई की जा रही है वो पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर इस जांच में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है तो उनको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कर्णदेव कंबोज करनाल में टॉपर्स बच्चों के सम्मान समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने 10वीं में टॉप करने वाले बच्चों को लैपटॉप देकर सम्मानित किया। बीजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कैथल के कलायत पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने की वजह से हरियाणा के आम लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे हरियाणा के लिए साफ पेयजल का इंतजाम किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारे परिवार कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर महंगे अस्पतालों में लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की खुशहाली और संपन्नता पर ब्रेक लग गया है। दुष्यंत ने कहा कि जेजेपी सरकार बनने पर हर 20 गांव पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी, जो गांव गांव घूमकर लोगों का इलाज करेगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को जल्द उपचार मिलेगा और शहर न जाने की वजह से उनका वक्त और पैसे भी बचेंगे। गर्मी की मार सिर्फ भारत में ही नहीं झेलनी पड़ती है, बल्कि दुनिया के कई देश इससे खासे परेशान हैं। अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत यूरोप के कई शहर उबल रहे हैं और तापमान 40 के पार जा रहा है। यही हाल जापान की राजधानी टोक्यो का है, जहां अगले साल इसी जुलाई में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन होना है। अगले साल यानी 2020 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस साल जुलाई में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसे माना जा रहा है कि अगले साल भी ये महीना गर्मी के लिहाज से न सिर्फ मेजबानों बल्कि के मेहमानों को भी खूब रुलाएगा। एक साल आगे के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना संभव है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चल रहा है उससे लगता है कि अगले साल की जुलाई में भी काफी गर्मी पड़ने वाली है। गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पानी की बर्बादी और अवैध दोहन के खिलाफ बड़ी जंग शुरू कर दी है, जिसके तहत अब पानी की बर्बादी अवैध बोरवेल पर नकेल कसी जाएगी। जल शक्ति अभियान के तहत भूजल के स्तर में सुधार लाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। इससे साइबर सिटी में धड़ल्ले से बहाए जा रहे पानी और पानी की लीकेज रोकने के लिए बड़ी डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ड्राइव शुरू की गई है, और इस ड्राइव के तहत गुरुग्राम के उपायुक्त ने 57 टीमों का गठन किया, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाएंगी। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चल रहा है या नहीं, इस पर भी टीम की पैनी नजर होगी। यमुनानगर में सोशल मीडिया पर रूसी महिला से प्यार कर नकली शादी करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचकुला में रहने वाला युवक रूसी महिला से नकली शादी कर उससे $14,606 यानी कि 10 लाख रुपए लेकर बीच सड़क पर उसे छोड़कर फरार हो गया। और वहीं महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवा दी है। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की छानबीन में जुट गई है। बहादुरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई, गंभीर हालत में बच्ची को बहादुरगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। बता दें कि हादसा बहादुरगढ़ के लाइन पार्क क्षेत्र में स्थित विकास एनक्लेव में हुआ, जहां बच्ची खाना खाने के बाद बारिश में नहाने के लिए अपने घर पर गई थी। यमुनानगर में युवा उद्योगपति आशीष गर्ग ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। दरअसल आशीष गर्ग ने अमेरिका ब्रेस्ट चिकन के नाम से होटल की फ्रेंचाइजी शुरू की थी। मधुचौक के पास इस होटल का काम शुरू करवा रहे थे। और वहीं परिजनों का कहना है कि रात को सभी खाना खाकर सोए थे, जब सुबह आशीष को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। और वहीं डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो आशीष का शव पंखे से लटका हुआ था। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सुसाइड करने की कोई भी वजह सामने नहीं आई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी को इस तिमाही में बड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष 2019 और 20 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले कम ही रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 1,945.3 करोड़ रुपए के मुकाबले, आपको बता दें कि 2019 और 20 की समान अवधि में मारुति सुजुकी का मुनाफा कम हुआ है। और बता दें कि मारुति सुजुकी का बयान भी सामने आया है। कंपनी ने कहा कि बिक्री में कमी और अवमूल्यन खर्च में वृद्धि के कारण निवल लाभ में गिरावट रही है। मारुति सुजुकी ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने आलोचित तिमाही के दौरान 4,02,594 वाहनों की बिक्री की थी, जो कि पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 17.9% कम है। शेयर बाजार में पिछले 6 कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को टूट गया। बता दें कि कारोबार शुक्रवार को गिरावट के साथ शुरू हुआ और ऐसा लगता था कि शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन गिरावट जारी रहेगी, लेकिन बाद में बाजार संभल गए। ऑटो और पीएसयू शेयरों में शुक्रवार में अच्छी तेजी देखी गई। अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 51.81 चढ़कर 37,882.79 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32.10 पर और 11,284.3 पर आकर रुक गया। इंफ्रा, एफएमसीजी, मेटल और फार्मा सेक्टर में भी अच्छी तेजी देखी गई है। एनर्जी और आईटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा, करीब 1,296 शेयरों में बढ़त रही। योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई वाला पतंजलि समूह अब तक के अपने सबसे बड़े अधिग्रहण में खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया का मालिक बनने जा रहा है। राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण ने रुचि सोया के लिए पतंजलि के 4,350 करोड़ की संशोधित बोली को मंजूरी दे दी है। पहले इस खरीद की दौड़ में कंपनी अदानी बिल्मर भी थी, लेकिन उसकी बोली से हटने के बाद रुचि सोया के लिए पतंजलि एकमात्र बोलीदाता रह गई। आपको बता दें कि रुचि सोया कंपनी के ऊपर करीब 9,345 करोड़ रुपए का कर्ज है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए परेरा की 111 रन की पारी से 8 विकेट पर 314 रन का मजबूत स्कोर बनाया। तो वहीं श्रीलंका ने पहले वनडे क्रिकेट मैच में शुक्रवार को बांग्लादेश को 91 रन से हराकर अपने स्टार लसिथ मलिंगा को जीत से विदाई दी। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मलिंगा दुनिया के 9वें बॉलर बने और इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैच की सीरीज का पहला मैच खेलकर अपने वनडे को अलविदा बोल दिया। मेजबान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 4 दिनों का एकमात्र टेस्ट मैच 143 रनों से जीत लिया। मैच के तीसरे दिन 182 रनों का लक्ष्य पीछा करती हुई आयरलैंड टीम महज 38 रनों पर ढेर हो गई।
इंग्लैंड ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में आयरलैंड पर धमाकेदार जीत हासिल की है। इंग्लैंड ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। दरअसल आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को टेस्ट की पहली पारी में 85 रनों पर समेट दिया था, जिससे क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड की खूब किरकिरी हुई थी। इंग्लैंड की इस तूफानी जीत में तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने 17 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट झटके, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड के हिस्से 4 विकेट आए। इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी गुरुवार के स्कोर में 330 पर ही सिमट गई, जिससे आयरलैंड पर इंग्लैंड को 181 रनों की बढ़त हासिल हुई। कल पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। देश भर के लोग इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे और वहीं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इसमें कहीं भी पीछे नहीं रही थी। आज के भरत कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर जवानों की वीरता को सलाम किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम अपने जवानों को नहीं भूल सकते हैं, जिनकी हिम्मत और बहादुरी हमें दिन प्रतिदिन चैन से रहने देती है। और इसी के साथ संजू बाबा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कारगिल के बहादुर जवानों को उनकी वीरता के लिए याद किया। उन्होंने लिखा, मैं हमारे वीर जवानों को सलाम करता हूं, जिन्होंने कारगिल युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। आपके बलिदानों को हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद। और वहीं उरी के एक्टर विकी कौशल ने भी कारगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, राष्ट्र के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वास्तविक नायकों के साहस और बलिदान को याद कर रहा हूं। सलाम, जय हिंद। इसके अलावा सनी देओल, अनुष्का शर्मा, अर्जुन कपूर, फरहान अख्तर समेत कई बॉलीवुड सितारों ने भारत मां के वीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बिग बॉस 12 से लाइमलाइट में आई सोमी खान की लाइफ शो के बाद काफी बदल गई है। शो के खत्म होने के बाद से ही सोमी लगातार मीडिया में एक्टिव रही हैं। सोमी के फैंस के लिए गुड न्यूज है। खबरों की माने तो सोमी जल्द ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही है। सोनी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज न्याय द जस्टिस कॉल में एक अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगी। इस वेब सीरीज में सोमी एक विक्टिम का किरदार निभाते हुए दिखेंगी। इसके शूटिंग शुरू हो चुकी है और सोमी से लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि सोमी ने अभी इस बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है। बॉलीवुड के संजू बाबा एक्टर संजय दत्त अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हैं। खबरों की माने तो संजय दत्त अपने जन्मदिन पर फैंस को भी तोहफा देने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म प्रस्थानम का ट्रेलर अपने जन्मदिन यानी कि 29 जुलाई के दिन रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम तेलुगु में इसी नाम से बनी क्लासिक फिल्म का कुछ हिंदी रिमेक है। कुछ दिन पहले संजय का फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसे फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बता दें कि फिल्म 26 सितंबर को रिलीज होगी।